चास नगर परिषद की पहली अध्यक्ष गंगा देवी भालोटिया ने भी निगम के मेयर पद पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। गुरुवार को पत्रकार वार्ता के दौरान भालोटिया ने बकायदा इसका ऐलान कर दिया। बतौर नगर परिषद अध्यक्ष अपने निर्विवाद कार्यकाल और अपनी कार्य संबंधी उपलब्धियों की बदौलत उन्होंने अपने नाम के अनुरूप ही चास में एक बार फिर विकास की गंगा बहाने की प्रतिबद्धता जताई है। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने चास नगर निगम का महापौर पद आदि आबादी यानी महिलाओं के लिए आरक्षित करने पर झारखंड सरकार के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि चास शहरी निकाय में वास्तविक लोकतांत्रिक प्रणाली वर्ष 2010 में शुरू हुई थी। इसके पहले प्रशासनिक पदाधिकारियों के जिम्मे नगर के विकास का दायित्व था। 2010 में चास नगर परिषद का प्रथम अध्यक्ष बनने का गौरव उन्हें शहरवासियों ने दिया, जिसके लिए वह उनके आभारी है। उन्होंने कहा कि 2010 से 2015 तक उनका कार्यकाल पूरी तरह अविवादित रहा। गंगा भालोटिया ने कहा कि चास नगर निगम को अविवादित कार्यस्थल बनाना और प्रजातांत्रिक तरीके से वार्ड पार्षद सहित समाज के सभी तबके के लोगों का सहयोग प्राप्त कर बगैर किसी दबाव में निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय लेकर निगम के कार्य को सुचारू रूप से चलाना उनका लक्ष्य है। शहरी क्षेत्र में मूलभूत नागरिक सुविधा जैसे साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट आदि सेवाओं को करना उनकी प्राथमिकता होगी। लोगों के सामर्थ्य के अनुसार टैक्स प्राप्त कर चास शहर को व्यवसायिक बनाना और ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। उन्होंने इस चुनाव में समस्त चासवासियों से सहयोग की अपेक्षा की है। इस दौरान भालोटिया के साथ मुख्य रूप से काजल भालोटिया, पुष्पा अग्रवाल, देवकी अग्रवाल आदि शामिल थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। मैं कहना चाहता हूँ स्वच्छ और बढ़िया और अच्छे ईमानदारी से काम करूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता यही रही कि जैसे नाली सफाई, रोड सफाई, बिजली का, पानी का, एनजीओ का, आवास का, सब का। मैं जो पिछले बार आपने बोलने का था, पिछले बार से काम बढ़ा है। पहले तो नगर पालिका था और नगर निगम होगी तो काम बढ़ा है। उसमें क्या क्या काम होगा हम अपना काम ईमानदारी से। महिलाओं, चूंकि आप महिला हैं और इस बार महिला सीट है, तो महिलाओं को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी? महिलाओं के लिए बहुत अच्छी रहेगी। हम लोग को पूरा सपोर्ट है, मेरे महिलाएं और मैं जितने वाले हमारे वार्ड पार्षद आएंगे सब मेरे एगेंस्ट में काम करेंगे और मैं किसी की सामाजिक परिवार के मैं नहीं हूँ, इंतजार नहीं करूँगी।